हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। हमने प्रीवियस टॉपिक में वर्क के बारे में समझ लिया था। तो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वर्क होता है तो उसके लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए। विदाउट एनर्जी वो वर्क कर सकेगा नहीं, ठीक है। और वो जो एनर्जी उन ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आती है वो किसके थ्रू आती है, तो बाय फूड के थ्रू, ठीक है, जो आप जानते हैं। ओके, अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले, जैसे कि हमारी कोई वेट लिफ्ट करने की कैपेसिटी मान लो कि 20 kg की हो या फिर 25 kg की हो, ठीक है, और हमें मान लो कि 50 kg या फिर उससे भी ज़्यादा दे दिया जाए, तो क्या वो हम लिफ्ट कर सकते हैं? तो नो, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है वो काम करने की या फिर वर्क करने की, ठीक है। तो अब वो जो कैपेसिटी है उसे ही फिर किस फॉर्म में बोला है? उसी जो काम करने की या फिर डूइंग वर्क की जो कैपेसिटी है उसे ही क्या बोला गया है? एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। तो उसकी नॉर्मली डिफाइन करनी हो तो क्या बन सकती है? तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो जो भी काम करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसे क्या बोला जाएगा? एनर्जी बोला जाएगा, ठीक है। अब हमारे सराउंडिंग जो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, तो उसमें से जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वो कौन सी है? तो वो है सन, यानी कि सोलर एनर्जी। तो जो बड़ा सोर्स कोई एनर्जी का है हमारे सराउंडिंग, तो वो कौन है? सन, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये मोस्ट ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन, क्योंकि जो सोलार एनर्जी है तो सोलार एनर्जी के थ्रू हीट एनर्जी है, उसके अंदर लाइट एनर्जी है, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है, तो उसके लिए सोलार एनर्जी का यूज़ करके वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि इस तरह हमारी अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो मोस्ट ऑफली किसके थ्रू डिराइव हुए हैं? यही सोलार यानी कि सन एनर्जी से, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो सम एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। तो अब ये न्यूक्लियस ऑफ एटम यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात हो रही है। जैसे कि आपने सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो जिनमें क्या होता है, ये न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है या फिर कन्वर्ट की जाती है, ठीक है। तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो जाएगा, डिफरेंट न्यूक्लियर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो गए, न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो ये जो एटम्स न्यूक्लियस के जो एटम्स है, सॉरी एटम्स के जो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो उनमें भी एक एनर्जी जब उन्हें ब्रेक किया जाए तो उनमें भी लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वही एनर्जी हम यूज करके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो उसमें भी जैसे कि हम बात करें पेट्रोलियम है, ठीक है, तो पेट्रोलियम में जो पेट्रोल डीजल, तो वो भी वन टाइप ऑफ वो भी एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। वही उनका ही यूज करके हम व्हीकल में काइनेटिक एनर्जी या फिर हम बोले तो उसे मोशन में ला सकते हैं, ठीक है। फिर हम थर्मल पावर प्लांट यानी कि जो कोल का यूज करके वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, और वही हीट एनर्जी का यूज करके वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है या फिर प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो ये जो इस तरह इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर है, ठीक है। फिर जो टायर्स आती है, तो टायर्स के थ्रू भी हम एनर्जी वो मिलती है, ठीक है, और टायर्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो अब हमारे सराउंडिंग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो एनर्जी किसी के पास है तो उतने ही जितनी एनर्जी होगी उतना ही वो वर्क कर सकता है, वो जो भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉसिस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू, ठीक है। तो जितनी एनर्जी होगी उतना ही वो काम कर सकता है। अब एक मोस्ट यानी कि टॉपिक है, पॉइंट है, कि जो वर्किंग बॉडी लूज एनर्जी,
तो जिस बॉडी के थ्रू वर्क हो रहा है उसके थ्रू क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी लूज होगी, एंड बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी। जैसे कि एक एग्जांपल दो कि मैं कोई गाड़ी को पुश कर रहा हूं, ठीक है, तो वो मेरे थ्रू गाड़ी को पुश किया जा रहा है, ठीक है, तो अब मेरी एनर्जी क्या हो रही है, मैं एक ऑब्जेक्ट हुआ और गाड़ी एक ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, तो मेरे थ्रू एनर्जी लॉस हो रही है, यानी कि वो एनर्जी कहाँ पर मैं लॉस कर रहा हूँ, तो मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ पुशिंग वाला, ठीक है, तो उसके थ्रू मेरी एनर्जी बॉडी की लॉस हो रही है, और वही एनर्जी उस व्हीकल के अंदर, उस गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसकी मोशन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी मोशन, उसकी स्पीड क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है, तो मेरे थ्रू बॉडी यानी कि मेरे थ्रू जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है, बट उस व्हीकल के थ्रू क्या होगा, वो एनर्जी गेन करके अपनी डिफरेंट एनर्जी में वो फॉर्म कर रहा है, वो उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, तो उसकी जो जब स्पीड बढ़ रही है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और उस टाइम जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर मैं मोशन की बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे थ्रू जो मस्कुलर एनर्जी जो दे रहा था, ठीक है, तो वही एनर्जी उसके अंदर किस में कन्वर्ट हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो समझना है वो क्या है कि जो कोई भी बॉडी के थ्रू जो वर्क हो रहा है तो उसके थ्रू एनर्जी लॉस होगा, और जिसके ऊपर वर्क हो रहा है यानी कि ऑन विच वर्क, तो उसके थ्रू क्या होगा, एनर्जी गेन होगी, क्या होगी, एनर्जी गेन होगी, ठीक है। अब एनर्जी भी एक टाइप की क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जैसे हमने वर्क में भी देखा था, वर्क भी क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी था, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब जो जो वर्क, जैसे कि नॉर्मली हम बोले तो जितना एनर्जी होगा उतना ही हम वर्क कर सकते हैं, वर्क डन हो सकता है, ठीक है, तो अब इसी की वजह से जो SI यूनिट ऑफ एनर्जी है वो भी क्या लिया जाता है, जूल लिया जाता है, तो ये दोनों के SI यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो चाहे वर्क हो या फिर एनर्जी, और जो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, या फिर दूसरा बोलना हो तो क्या होगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो बिगर यूनिट है वो क्या है, किलो जूल, यानी कि उसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल के कैपिटल जे से, और 1 किलो जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 जूल, ठीक है। तो अब तो ये तो बात हो गई इसके SI यूनिट और उसकी क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, स्केलर। अब हम बात करते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी, यानी कि कोई बॉडी के थ्रू 1 जूल जितना वर्क हो रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, 1 जूल एनर्जी उसके थ्रू उस वर्क में यूज हो रही है, ठीक है। कोई बॉडी के थ्रू 5 जूल जितना वर्क हो रहा हो तो उसके थ्रू कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, 5 जूल जितनी एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर, जैसे कि 1 जूल की डिफाइन आए, 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने 1 जूल ऑफ जो वर्क डन हो रहा था उसके लिए लिखा था कि कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू 1 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा हो, और उसी फोर्स के थ्रू क्या होगा, उसके अंदर 1 मीटर जितना डिस्प्लेस हुआ हो, तो तब जाके उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना वर्क डन हो रहा है, 1 जूल जितना, तो यहाँ पर 1 जूल एनर्जी का भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कौन से टाइप्स में एनर्जी हमारे सराउंडिंग पाई जाएगी, तो जैसे कि एक अभी मैंने बात की काइनेटिक एनर्जी, अब हमें इस चैप्टर में 2 एनर्जी यहाँ पर पढ़नी है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्ट में अभी बताओ, काइनेटिक एनर्जी किसे बोला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन, तो उस टाइम जो एनर्जी उसके अंदर होती है उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सेकेंड है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में है, ठीक है, तो उस रेस्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग या फिर ड्यू टू स्टेशनरी पोजीशन, तो उस टाइम जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसे क्या बोला जाता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल
एनर्जी, ठीक है। फिर दूसरी कौन सी एनर्जी है? तो हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे सराउंडिंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी एनर्जी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी कि काइनेटिक एनर्जी किससे बोला जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी आ रही है या फिर स्टोर हो रही है किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि वो मूव हो रहा है, उसके अंदर कुछ स्पीड है, तो उस स्पीड की वजह से, उस मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर है उसे क्या बोला जाएगा? उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ओनली फॉर बॉडी के मोशन के वक्त ही पाई जाएगी, ठीक है। वो स्टेशनरी में होगा तो वो फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं बोला जाएगा, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो अब कौन से एग्जांपल हम ले सकते हैं? तो जो भी ऑब्जेक्ट को मोशन में बताना है, ठीक है। तो जैसे कि अब मूविंग क्रिकेट बॉल, जो स्टंप हो के वो स्टंप को वो गिरा सकता है, ठीक है। फिर रनिंग वाटर, ठीक है। फिर मूविंग बुलेट, मूविंग कार, रोलिंग स्टोन, रनिंग एथलेट, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो इन शॉर्ट हमें जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल में वो कैसे बताने हैं? मूविंग बताने हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो उसका डेरिवेशन, ठीक है। जो फॉर्मूला क्या है कि के ई है सिंबल काइनेटिक एनर्जी का, और उसका फॉर्मूला है 1/2 mv² जो हमें डिराइव करना है। अब ये कैसे होता है वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक समझ लेते हैं एक फिगर के थ्रू। जैसे कि मान लो कि कोई m मास वाला ऑब्जेक्ट है, m मास वाला ऑब्जेक्ट है, वो कुछ u वेलोसिटी से मोशन मूव हो रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर हम कोई एफ जितना फोर्स कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होकर वो कितनी हो जाती है? वी जितनी हो जाती है, ठीक है। उसका मास तो उतना ही उतना रहने वाला है। अब इसके साथ इसे जो वी जितनी एनर्जी गेन करने में जो उसने डिस्प्लेस किया वो हम सपोज कर लेते हैं एस जितना, ठीक है। अब यहां पर इसके साथ साथ अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी है, तो यहां पर कुछ एक्सेलरेट इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन भी आएगी, और वो हम सिंबॉलिक कर देते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। तो अब इसके थ्रू यानी कि जो वर्क होगा या फिर इसके अंदर जो एनर्जी आ रही है या फिर जो एनर्जी फॉर्म हो रही है, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो वो कौन सी कितनी होगी? तो 1/2 mv². तो ये कैसे आएगा वो अब हम देखते हैं। क्या क्या समझा इसमें कि एक एम मास जितना ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी यू थी, ठीक है, और इसके पर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वी जितनी। जैसे कि हम सपोज कर लो कि हम कोई व्हीकल लेकर 20 या फिर 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। अब हम उसे ज्यादा एक्सलरेट करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है, और वो स्पीड मान लो कि सपोज कर लो कि 60 या 70 जितनी हो गई, ठीक है। तो अब ये 20 या 30 से वो 60 जितनी स्पीड गेन करने के लिए कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस यहाँ पर हमने क्या ले लिया है? स्मॉल एस ले लिया है, और जो वेलोसिटी चेंज हो रही है फोर्स एफ से, तो वो हमने यहाँ पर यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ले ली, और फाइनल वेलोसिटी कितनी बन रही है? वी जितनी, ठीक है। और यही चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन भी उस ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फिगर में जो भी हमने समझा है वो फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू, ठीक है, एंड इट्स डिस्प्लेस थ्रू द डिस्टेंस एस एंड कॉन्स्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम यू टू वी, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज होकर यू से वी बन जाती है, ठीक है। और उस टाइम जो एक्सेलरेशन हुआ वो कितना हुआ? ए जितना, ठीक है।
तो ये बात थी ये फिगर की स्टेटमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं उसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में क्या आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे फॉर्मूला वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, तो ये F की जगह पर हमें फॉर्मूला रखना है, यानी और एक S की जगह, ठीक है। तो पहले तो F की जगह कौन सा फॉर्मूला रख सकते हैं, तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम ए, ठीक है। तो वो हम कहाँ पर रखेंगे, एफ की जगह। अब एस की जगह कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कौन सा है, 2as is equal to v square minus u square, ठीक है। तो s is equal to क्या बन जाएगा, v square minus u square, there v square minus u square upon 2a, तो ये क्या बन गया, s का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास s का फॉर्मूला भी मिल गया, f का भी मिल गया। तो अब ये दोनों फॉर्मूला किसके अंदर अप्लाई कर देंगे, वर्क के अंदर। क्यों, अब वर्क का वर्क के अंदर क्यों रखना है, या फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि अब यहां पर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है। अब वो वर्क जो हो रहा है वो उसके लिए कुछ एनर्जी भी होनी चाहिए, यानी कि वो वर्क की वजह से क्या हो रहा है, वो मोशन में आ रहा है, ठीक है। तो अब वही वर्क होने के लिए कुछ उसके अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए, विदाउट एनर्जी वो मोशन में आ सकता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमने वर्क का फॉर्मूला अप्लाई किया, और उसके अंदर ही क्या कर रहे हैं, हम दो फॉर्मूले के वैल्यू अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब वही एफ इज इक्वल टू एम ए और एस की जगह वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू ए, तो यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये ए ए कट हो जाएगा, दोनों एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। इसके साथ अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप बनाए तो क्या बन जाएगा, अब ये वन हाफ एम के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, वन हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, एम वी स्क्वायर माइनस वन हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कि W इज इक्वल टू वन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमें करना है कि जो U है, U की जगह आप सपोज कर लेना है कि मान लो कि वो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो है, इस यानी कि वो कौन से फॉर्म में है, रेस्ट फॉर्म में, स्टेशनरी फॉर्म में वो ऑब्जेक्ट। तो u इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, हम जीरो ले लेंगे। तो u इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो अब पूरी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये तो अब वहां से निकल जाएगी, तो क्या आएगा, ओनली फॉर वन हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्म वर्क कितना होगा इसके थ्रू, वन हाफ एम बी स्क्वायर जितना, ठीक है। अब ये जो वर्क हो रहा है वो वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और उसके थ्रू ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये वर्क और कोई नहीं बट क्या है, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ये वर्क हो रहा है, या फिर ये वर्क के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसके अंदर वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे कि हमने फोर्स दिया ना उसे, जैसे मैंने व्हीकल के बारे में बात की कि मेरे थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अब वो स्पीड उसके अंदर मोशन आ रहा है व्हीकल के अंदर, ठीक है। तो मेरे थ्रू जो वर्क हुआ, तो मैंने कुछ एफ जितना फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो अब मेरे थ्रू जो फोर्स अप्लाई किया तो वो वर्क हो रहा है उसके ऊपर, तो वो वर्क के थ्रू क्या किस, वो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी में, किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो मोशन में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर लिखा है कि द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसकी वजह से हम सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे इक के, एनर्जी और के मीन्स काइनेटिक, काइनेटिक का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन हाफ एम बी स्क्वायर। अब इसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये वन हाफ एक वैल्यू हो जाएगी कॉन्स्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड द स्क्वायर ऑफ
वेलोसिटी, ठीक है। अब ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना मास आप बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है, ठीक है। फिर जितनी वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी का तो स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो उतना वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाला है। इन शॉर्ट आप वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना उस ऑब्जेक्ट के थ्रू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हमने बात किया एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है, कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी किसे बोला जाता है और उसकी फॉर्मूला, ठीक है, कौन सी होगी, के इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। बाद में हम इसके थ्रू एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।